नहीं जी कौन सा नशा करता है। वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों जैसे कि आपने प्री वीडियो में देखा, वैसे हम आज के वीडियो में पता नहीं कि वो कौन से नशे करता है, इस ट्रेंडिंग सॉन्ग पे एक बेहतरीन स्टेटस, सेक इफेक्ट और बहुत सारे इफेक्ट के साथ अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में कैसे बनाते हैं, इसका ट्यूटोरियल मैं वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों स्टेटस बनने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगी उस पर क्लिक कर देना है। उस लिंक से आप रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने ब्राउजर में और ब्राउजर से आपको सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में। तो अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में आने के बाद आपको इस इफेक्ट पर क्लिक करना है और इस इंटरफेस आने के बाद आपको इस वाले इमेज पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाकर यहाँ पर जो थ्री डॉट दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको कॉपी इफेक्ट्स कर देना है। तो कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद आपको बैक आना है होम पेज पे अलर्ट मोशन एप्लीकेशन के। अलर्ट मोशन एप्लीकेशन के होम पेज आने के बाद आपको प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। 4:5 का रेशो रेजोल्यूशन आपके डिवाइस को जो सपोर्ट करता है वो रख देना है। फ्रेम रेट 30 FPS और बैकग्राउंड में ब्लैक कलर सेलेक्ट करके आपको क्रिएट प्रोजेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो में जाना है, व्यू ऑल में जाकर मैंने जो एमपी3 सॉन्ग आपको प्रोवाइड किया है उस वाले एमपी3 सॉन्ग को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। एमपी3 सॉन्ग को ऐड करने के बाद आपको जाना है 12.06 सेकंड तक, और 12.06 सेकंड तक जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिखाई देगा उस पर क्लिक करके यहाँ पर एक रेड मार्कर इस तरह से मैंने जो बनाया है उस तरह से इस वाले बटन पर क्लिक करके रेड मार्कर आपको यहाँ पर 12.06 सेकंड तक बना देना है। उसके बाद आपको एंड में जाकर भी एक वहाँ पर इस बटन की मदद से रेड मार्कर को ऐड कर देना है। रेड मार्कर को ऐड करने के बाद आपको आना है स्टार्टिंग पोजीशन में। स्टार्टिंग पोजीशन में आकर प्लस के आइकन पर क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाकर व्यू ऑल में जाना है और मैंने जो इफेक्ट प्रोवाइड किए उनमें से आपको इस वाले इफेक्ट को वीडियो इफेक्ट को सिलेक्ट करके इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी का, उसमें क्लिक करके आपको इसकी ऑपोसिटी आपको 60% तक रख देनी है। तो 60% रखने के 60% रखने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जाना है 12.06 सेकंड तक, जहाँ पर हमने एक रेड मार्कर लगाया था उस ड्यूरेशन पर जाकर आपको उस वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है जो हमने अभी ऐड किया। उस वाले इफेक्ट पे क्लिक करके आपको इस वाले बटन पे क्लिक करके इसको ट्रिम कर देना है। तो इसको ट्रिम करने के बाद आपको आना है स्टार्टिंग पोजीशन में। स्टार्टिंग पोजीशन में आकर प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है। इमेज एंड वीडियो में जाकर मैंने एक और इमेज आपको प्रोवाइड किया है नशा, इस वाले इमेज को आपको ऐड कर देना है। इस वाले इमेज को ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसपोर्ट में जाकर मैंने जिस तरह से इसको मिडल में लाया है इस तरह से आपको इसको स्वाइप करके मिडल में लाना है। मिडल में लाने के बाद आपको यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है जिस तरह से मैंने इसको छोटा किया है लेफ्ट साइड पे इसको और मूव करके। तो इस तरह से करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। ऐड इफेक्ट पर जाकर जाना है आगे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में, और उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पल्स साइज, उस पर क्लिक कर देना है और उसकी फ्रीक्वेंसी आपको 1.11 रख देनी है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी 1.11 सेलेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हमने जो जहां पर रेड मार्कर बनाया था वहां पर आपको आ जाना है। तो रेड मार्कर जहां पर हमने 12.06 सेकंड तक बनाया था वहां तक आने के बाद या इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस वाले इमेज को यहां तक एक्सटेंड कर देना है। तो इस तरह से एक्सटेंड करने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजिशन में आना है, सॉरी आपको मिडल में आना है। मिडल में आने के बाद जहाँ पर हमने रेड मार्कर बनाया था वहाँ तक आने के बाद आपको बैक आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाना है और व्यू ऑल पे जाकर आपको जो भी इमेज इसमें ऐड करने है स्टेटस में, जिस भी इमेज पर आप स्टेटस बनना चाहते हैं उस इमेज को आपको सिलेक्ट कर देना है। तो उसको सिलेक्ट करके आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अगर आपकी इमेज अच्छी तरह से ऐड नहीं हुई तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन के ऑप्शन पे क्लिक करके इस इमेज को पूरे स्क्रीन में फिल कर देना है। तो एक करने के बाद दोस्तों आपको आगे जाना है, 2 सेकंड तक इस इमेज की ड्यूरेशन रह जाएगी। तो वहाँ तक आ जाने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करके इमेज एंड वीडियो में जाकर आपको दूसरी इमेज को सिलेक्ट कर देना है, जिस भी दूसरी इमेज को आप इस स्टेटस में यूज़ करना चाहते हैं उस इमेज को सिलेक्ट करके ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद फिर से एक बार आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन कर देना है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 जहाँ तक हमारा एमपी3 सॉन्ग है वहाँ तक हमारे इमेज को ऐड करते रहना है। दोस्तों सभी इमेज को ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ।
तो दोस्तों मैंने सभी इमेजेस को यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो सभी इमेज को ऐड करने के बाद आपको लास्ट इमेज पे आना है और हमने जो सेकंड वाला रेड मार्कर बनाया था उस वाले इमेज पे क्लिक करके यहाँ पर आपको इस वाले बटन पे क्लिक करके इसको ट्रिम कर देना है। तो इसको ट्रिम करने के बाद आपको आना है मिडल में 12.06 सेकंड तक, जहाँ पर हमने पहले इमेज ऐड की थी उस पे आने के बाद हमने जो सबसे पहले इफेक्ट कॉपी किए थे उस वाले इफेक्ट को कॉपी करने के बाद आपको इफेक्ट पे क्लिक कर देना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो पेस्ट इफेक्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको दूसरे इमेज पे क्लिक कर देना है। तो फिर से एक बार आपको बैक आना पड़ेगा। तो हमने जो दूसरी इमेज सिलेक्ट की थी उस पर क्लिक करके इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको भी पेस्ट सभी इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दोस्तों इस तरह से आपको सभी इमेज को इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो सभी इमेज को मैं इफेक्ट पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने सभी इमेजेस पर वन बाय वन ए वाले इफेक्ट पेस्ट कर दिए। तो इफेक्ट पेस्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने जो पहला रेड मार्कर लगाया था 12.06 सेकंड तक, वहां तक आ जाना है। तो वहां तक आने के बाद आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और मैंने एक और इफेक्ट आपको प्रोवाइड किया है उस वाले इफेक्ट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको इसमें ऐड कर देना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन कर दीजिए। तो ये करने के बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाना है और लाइटन में जाकर इसे स्क्रीन पे इनेबल कर दीजिए। तो स्क्रीन पे इनेबल करने के बाद ये वाला इफेक्ट हमारे फोटोज के ऊपर लग जाएगा। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले आपको एंड में जाना है जहाँ पर हमने दूसरा रेड मार्कर लगाया था, वहाँ पर जाना है। तो वहाँ पर जाने के बाद आपको उस वाले इफेक्ट पे क्लिक करना है और इस वाले बटन पे क्लिक करके इसको ट्रिम कर देना है। तो ये करने के बाद आपको फिर से एक बार स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आकर प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और इस वाले स्क्वायर वाले बॉक्स को आपको ऐड कर देना है। तो स्क्वायर वाले बॉक्स को ऐड करने के बाद आपको दो उंगलियों से इसको इस तरह से बड़ा कर देना होगा। तो बड़ा करने के बाद आपको कलर एंड फिल में जाकर ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर दीजिए। तो ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको एंड में जाना है, जहां पर हमने रेड वाला मार्कर एंड में लगाया था वहां पर जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको इसको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 12.06 सेकंड तक आना है। तो वहां पर आने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पर आगे वाला पार्ट कट कर देना है। तो यहां पर ये लग जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ब्लेंडिंग में और इसके ऑपोसिटी आपको 30% तक रख देनी है। तो 30% तक रख देने के बाद आपको बैक आना है, इफेक्ट में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर जाना है आगे। आगे जाकर आपको एक देख लेना है ऑपोसिटी का ऑप्शन, ऑपोसिटी एंड विजिबिलिटी, उस पर क्लिक करके आपको ब्लिंक पे क्लिक कर देना है। तो ब्लिंक पे क्लिक करने के बाद फ्रिक्वेंसी आपको इसकी पूरी बढ़ा देने है। तो एक करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको फिर से एक बार बैक आना होगा। बैक आने के बाद प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग पोजिशन में आना है। स्टार्टिंग पोजीशन में आकर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो में जाना है और मैंने फुल स्क्रीन बॉर्डर आपको प्रोवाइड किए उस वाले फुल स्क्रीन बॉर्डर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना होगा। तो फुल स्क्रीन बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले एंड में जाना है। फुल स्क्रीन बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद एंड में जाने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसको एंड टाइम तक कर देना है। तो एंड टाइम तक करने के बाद आना है फिर से एक बार स्टार्टिंग पोजीशन में और ए वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इसको कॉपी लेयर कर देना है। फिर से एक बार उसी ऑप्शन पर क्लिक करके पेस्ट लेयर कर दीजिए और हमने जो लेयर पेस्ट की थी उसको सिलेक्ट करके जाना है मुंह एंड ट्रांसपोर्ट में और दो नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके -90 डिग्री इसका एंगल कर देना है। तो उसको करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से एक बार थ्री डॉट पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए। तो फुल स्क्रीन करने के बाद ये हमारा स्टेटस यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब लोगो लगाना चाहते हैं तो इसमें आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके अपना लोगो भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको बैक आ जाना है और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर देना है और सेव कर देना है अपने डिवाइस में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक क्लियर टेक्नोलॉजी साइनिंग ऑफ।